मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप YouTube पर एक कस्टम URL को कैसे क्लेम कर सकते हो, अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम URL को कैसे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पहले से ही कोई कस्टम URL क्लेम है और इनकेस आप फ्यूचर में या फिर अभी आपने अपना चैनल का नेम चेंज कर दिया है, यानी कि दोस्तों जो आपका पुराना कस्टम URL है वो अब यहाँ पर बेकार हो चुका है, अब आप चाहते हो कि आपका जो न्यू नेम है उसके हिसाब से आपका कस्टम URL तैयार हो, तो आप दोस्तों कैसे यहाँ पर कस्टम URL को चेंज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों पहले जो सेटिंग थे वो काफ़ी ईजी था चेंज करने का, अब दोस्तों यहाँ पर सेटिंग काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि वो कस्टम URL को यहाँ पर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पॉइंट जरूर देखिएगा, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप कैसे यहाँ पर कस्टम URL को चेंज कर सकते हो। अगर आपने नेम वगैरह चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कस्टम URL भी सेट कर सकते हो। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल के स्टूडियो में जाना होगा। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कर रहे हैं तो आपको सेम प्रोसेस करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाकर YouTube स्टूडियो सर्च करना है और studio.youtube.com वाला वेबसाइट पर आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर के 3 डॉट पर क्लिक करके उसको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। देन उसके बाद से दोस्तों आपको PC या फिर मोबाइल में दोनों में सेम प्रोसेस होने वाला है। अब जैसे दोस्तों आपका स्टूडियो ओपन हो जाए, यहाँ पर आपको जाना है थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे लेफ्ट साइड में, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टमाइजेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है बेसिक इन्फो में एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका चैनल का URL इनसे यहाँ पर शो होगा। ये आपका चैनल का URL और यहीं पर दोस्तों हमारा कस्टम URL शो होता है जो कि हमने पहले से क्लेम करके रखा हुआ है, और ये हमारा जो बाई डिफ़ॉल्ट URL होता है जो कि हमें YouTube देता है वो है। तो अभी दोस्तों ये हमारा कस्टम URL है, अभी हम इसको चेंज करने वाले हैं। अगर आपने इनकेस कभी नाम चेंज किया है तो आपको ये वाला कस्टम चेंज करना होगा। फिलहाल दोस्तों मेरे चैनल के नेम के हिसाब से ये कस्टम URL है तो हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या करना होगा कि सिंपली आपको डिलीट पर क्लिक करना होगा, डिलीट। इसके बाद दोस्तों आपको एक अलग वेबसाइट पर ले जाएगा और स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको हल्का सा नीचे आना है। अब स्क्रॉल करते हुए दोस्तों आप नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको अबाउट वाले सेक्शन में मिल रहा है आपको देखने का ऑप्शन YouTube कस्टम URL, और यहाँ पर हमारा दोस्तों जो कस्टम URL है वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं रिमूव और ओके का, तो अगर ओके करते हो तो आपको कस्टम URL जो सेम रहेगा, लेकिन हम यहाँ से आपको करना है रिमूव भाई फिलहाल इसको, तो करते हैं रिमूव इसको हम। एंड आर यू श्योर? यस आई एम श्योर, रिमूव। अभी दोस्तों हमारे अबाउट वाला सेक्शन में आप देख सकते हो कि हमारा कोई भी यहाँ पर कस्टम URL अब क्लेम नहीं है। अब सिंपली से आपको क्या करना है कि वापस से जाना है आपको कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में और फिर से यहाँ पर आपको एक कस्टम URL का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। और आते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे तो देखिए दोस्तों हमारा एक ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, जो पहले से बाई डिफॉल्ट लिंक था वो तो है ही, लेकिन इसके नीचे ऑप्शन आ चुका है सेट अ कस्टम URL फॉर योर चैनल। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और फिर से दोस्तों यहाँ पर आपका जो कस्टम URL है यहाँ पर पे तैयार हो जाएगा। अभी दोस्तों हमारा जो कस्टम URL शो हो रहा है वो हमारे चैनल नेम के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। जैसा आप देख सकते हो कि हमारे चैनल का जो नेम है वो भी यहाँ पर सेम है और हमारे कस्टम URL में भी जो नेम शो हो रहा है वही है। अगर हम यहाँ पर चैनल का नेम चेंज करते हैं लाइक अभी कादर गुप्ता है तो इसको हम हटाकर कोई मान लीजिए कि YT क्रिएटर रख देते हैं, तो यहाँ पर भी जो हमारा कस्टम URL होता है वहाँ पर आ जाता है C और फॉरवर्ड स्लैश और YT क्रिएटर। तो जब भी आप कोई भी अपने चैनल का नेम चेंज करते हो तो सिंपली आपको यही प्रोसेस करना है और फिर से आप एक नया URL को क्लेम कर सकते हो, एक कस्टम URL को। और इसके नीचे दोस्तों एक और ऑप्शन आपको शो हो रहा है जहाँ पर आप अगर अपने नाम के साथ में कोई और भी नंबर या फिर लेटर और भी ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें आप जो भी अपन नेम में आपको जो अलग से कोई अल्फ़ाबेट या फिर नंबर वगैरह डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों हमारा जो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कस्टम URL मिले उतना सही है और जितना नेम के एक्यूरेट मिले उतना काफ़ी ज़्यादा पर हद तक सही रहता है। तो अभी दोस्तों हमारा जो नेम वाला अवेलेबल है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम अपने चैनल का कोई ऐसा नेम चेंज करते हैं जो कि दोस्तों पहले से ही चैनल नेम से किसी ने कस्टम URL ले रखा है, तो दोस्तों हमारे लिए ये सेकेंड वाला ऑप्शन काम आता है। यहाँ पर हम कोई और नंबर डालकर ट्राई कर लेते हैं कि वो किसी ने लिया है कि नहीं लिया है, तब हमको पता चल जाता और सिंपली हम उसको हम क्लेम कर सकते थे। तो फिलहाल दोस्तों हमारा नेम चेंज नहीं है और यही है, तो हम सिंपली इसी को सिलेक्ट करेंगे और पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा ऑप्शन कन्फर्म। अब दोस्तों हमारा जो कस्टम URL है वो फिर से सेट हो चुका है। इसी तरह से आप कोई भी अपन नेम वगैरह चेंज करते हो अपने चैनल का तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया सेम आपको प्रोसेस को फॉलो करना है और आपका जो कस्टम URL है वो नया वाला क्लेम हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
और इस तरह के और भी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।